नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। तो इस वक्त हम आपको एक काफी महत्वपूर्ण खबर बताने जा रहे हैं जो आम जनता के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आपको बताते हैं, एटीएम से ट्रांजैक्शन करना जनवरी से महंगा होने वाला है। आपको बता दें कि आरबीआई ने बैंकों की अब फ्री लिमिट के बाद अधिक चार्ज वसूल करने की इजाजत दे दी है। नए साल में एटीएम का इस्तेमाल करना महंगा होने जा रहा है। आरबीआई ने सभी बैंक को 1 जनवरी 2022 से एटीएम ट्रांजैक्शन के चार्जेस बढ़ाने की अनुमति दे दी है। अब आपके एटीएम पर जितने ट्रांजैक्शन की सुविधा दी गई है उससे अधिक इस्तेमाल करने पर पहले की तुलना में बैंक को अधिक पैसे देने होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि रिजर्व बैंक के एक नोटिफिकेशन के अनुसार फ्री ट्रांजैक्शन मंथली लिमिट के बाद बैंक ग्राहकों को अब अधिक पैसे देने होंगे। अभी ये हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए की दर से वसूला जाता है। 1 जनवरी 2022 से ये बढ़कर प्रति ट्रांजैक्शन 21 रुपए हो जाएगा। ये फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल हर ट्रांजैक्शन पर लागू होगा। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि रिजर्व बैंक ने ये भी साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई टैक्स लागू होता है तो वह इस चार्ज से अलग होगा। यानी अभी तक 20 रुपए चार्ज के अलावा टैक्स लगता था, अब 21 रुपए का चार्ज और उस पर टैक्स वसूला जाएगा।